देशाचा अमृत महोत्सव वर्षाच्या छान पद्धतीने साजरा करतो, परंतु शोकांतिका ही आहे की राजस्थान सारख्या ठिकाणी एका छोट्याशा बालकाला माठातलं पाणी पिलं म्हणून एका शिक्षकाने, आपण प्रकरण सगळ्यांना माहित आहे, तसे अनेक प्रकरण महाराष्ट्रात देशात घडत आहे, त्याला कुठेतरी आळा बसावा. माझ्या कवितेचं शीर्षक आहे आज भी देखो गुलामी पल रही है हर गली. कौन कहता है कि हमको आज आजादी मिली, कौन कहता है कि हमको आज आजादी मिली, कौन कहता है कि हमको आज आजादी मिली. अरे आज भी देखो गुलामी पल रही है हर गली, आज भी देखो गुलामी पल रही है हर गली. हाँ किसी का फिर किसी पर हो रहा अन्याय है, हाँ किसी का फिर किसी पर हो रहा अन्याय है. धर्म का इंसानियत पर बढ़ रहा प्रभाव है, धर्म का इंसानियत पर बढ़ रहा प्रभाव है. कल जो बीती रात की परछाइयां फिर आ मिली, कल जो बीती रात की परछाइयां फिर आ मिली. और आज भी देखो गुलामी पल रही है हर गली, आज भी देखो गुलामी पल रही है हर गली. लहलहाते फूल कितने कल यहां मुरझा गए. स्वातंत्र्यासाठी प्रत्येकाचं योगदान होतं, काय होतं कि लहलहाते फूल कितने कल यहां मुरझा गए. त्याग कर अपनी बहारे धूप से टकरा गए, त्याग कर अपनी बहारे धूप से टकरा गए. चिलचिलाती धूप में नाजुक कलियां भी जली, चिलचिलाती धूप में नाजुक कलियां भी जली. और आज भी देखो गुलामी पल रही है हर गली, आज भी देखो गुलामी पल रही है हर गली. बस जरा सी बात है इंसानियत है पालना. काहीच करायचं नाही, फक्त थोडीशी गोष्ट आहे, परत त्या थोड्याशा गोष्टीमध्ये आपण खूप अडकून गेलेलो आहोत. बस जरा सी बात है इंसानियत है पालना, एक है हम सब यहाँ इस बात को है संभालना, एक है हम सब यहाँ इस बात को है संभालना. इस वतन के वास्ते ही अपनी ताकत हो मिली,